नहीं चलेगी सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर की मनमानी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से कहा कि उसको भारत सरकार के कानून मानने ही होंगे। देश में ड्रोन से पहले आतंकी हमले में बड़ा खुलासा, आतंकियों ने ड्रोन से बांध कर रखा था 1.5 से 2 किलो विस्फोटक RDX। आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र। दिल्ली में कार चोरी रैकेट से आतंकी कनेक्शन पर दिल्ली पुलिस ने जांच तेज की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ड्रोन से खेती का नायाब तरीका। ये सारी खबरें सीधे फील्ड से आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। एक दिन के लिए टला केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार, अब 8 जुलाई की सुबह होगा शपथ लेने वाले नेताओं का दिल्ली आना शुरू। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा अपने गृह राज्य हिमाचल के दौरे पर हैं, इसलिए कैबिनेट विस्तार को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया। JP नड्डा आज दिल्ली लौटेंगे। इसके साथ ही दिल्ली से उन नेताओं को फोन जाने लगा जो शपथ ले सकते हैं। ABP न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद नारायण राणे, असम के पूर्व CM सर्वानंद सोनोवाल को दिल्ली बुलाया गया है। इन नेताओं के करीबी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि भी की है। शपथ लेने वाले ज्यादातर BJP नेताओं के आज देर रात तक दिल्ली पहुंच जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विस्तार में ऐसे राज्यों को तरजीह मिलेगी जहां चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश से ज्यादा मंत्री शामिल होने की संभावना है। मोदी कैबिनेट विस्तार से पहले एक साथ 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इनमें एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है थावरचंद गहलोत का। थावरचंद गहलोत मोदी सरकार में सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री पद पर थे, लेकिन अब उन्हें कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है। जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो हैं थावरचंद गहलोत, पहले केंद्रीय मंत्री थे, अब कर्नाटक के गवर्नर बने। रमेश बैस त्रिपुरा के गवर्नर थे, अब झारखंड के गवर्नर हुए। SN आर्य हरियाणा के गवर्नर थे, अब त्रिपुरा के गवर्नर पद की जिम्मेदारी मिली। हिमाचल के गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय अब हरियाणा के गवर्नर हो गए हैं। PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के गवर्नर से बदलकर अब गोवा के गवर्नर बने। इनके अलावा आंध्र के BJP नेता हरिबाबू कंभमपति मिजोरम के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। गुजरात से BJP नेता मंगू भाई पटेल MP के गवर्नर नियुक्त हो गए हैं। साथ ही गोवा में मंत्री रहे राजेंद्र आरलेकर अब हिमाचल के गवर्नर बन गए हैं। गौरतलब है कि राज्यपालों की ज्यादातर नियुक्तियां रूटीन हैं सिवाय थावरचंद गहलोत के। माना जा रहा है कि उनको मंत्री पद से हटाकर सिंधिया के लिए जगह बनाई गई है। अब यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार की पार्टी JDU सरकार में शामिल होने जा रही है। खुद नीतीश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार में शामिल होने की प्रक्रिया को लेकर पार्टी के अध्यक्ष RCP सिंह बात कर रहे हैं। इस बीच सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक JDU ने 4 मंत्री पदों की मांग की है। सूत्रों की माने तो खुद RCP सिंह मंत्री नहीं बनेंगे। मुंगेर के सांसद लल्लन सिंह, राज्यसभा सांसद और पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद और पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा मंत्री बन सकते हैं। अब आप तो जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी RCP सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है, इसलिए इसमें कोई बात नहीं। शामिल होने को लेकर के क्या आपकी राय है? क्या अब आप उन्हीं से पूछ लीजिए, तो हमको नहीं कही नहीं। हमको नहीं लगता है कोई की शामिल नहीं होंगे ऐसी कोई बात है। हमको किसी ने नहीं कहा, हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि शामिल नहीं होंगे, इसलिए इसके बारे में तो वही बात कर लेंगे। कितने लोग मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री, ये हम नहीं पूछे हैं किससे। हमने कहा कि बिल्कुल अधिकृत ही, पहले ही अध्यक्ष पद देने के बाद ही अधिकृत कर दिया, इसलिए हमारी तरफ से इसमें कोई बात नहीं। अब पहले जो हुआ सो हुआ, अब आज के कंटेक्स्ट में इसके संबंध में कोई खास बात नहीं है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार से पहले LJP अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा चाचा पशुपति को पार्टी से निकाल दिया गया है, लिहाजा उन्हें पार्टी कोटे से मंत्री न बनाएं। हाल में टूट का शिकार हुई लोक जनशक्ति पार्टी में अब मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों के बीच नई हलचल है।
बागी सांसद पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने की अटकलों के बीच चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से केंद्र में मंत्री न बनाए क्योंकि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। चिराग की आपत्ति को तवज्जो मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष पशुपति पारस वाले गुट को मान्यता दे चुके हैं। मंत्री बनने के लिए जिन पशुपति पारस का नाम चर्चा में है उनको अभी तक कोई फोन नहीं गया है। पशुपति पारस के प्रवक्ता संजय सर्राफ ने एबीपी न्यूज को यह जानकारी दी। पारस जी भी यहीं पर है, आप लोग उनके साथ में ही मौजूद है, क्या कुछ है ऐसी आधिकारिक तौर पर जानकारी आ जाएगी तो आप प्रॉपरली यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसको हम पहले आप सबसे पहले होंगे, आपको हम मैसेज दे देंगे इस बात के बीच में। जैसा कि जानकारी मिल रही है अलग अलग लोगों को बुलाया जा रहा है, अभी अलायंस पार्टनर को कहा जा रहा है कि गृह मंत्री के पास से कॉल आ सकती है। जो बीजेपी के नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी उनको जो है जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो अभी आप लोगों की किसी से कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है या इसको लेकर के चर्चा हो चुकी है लेकिन अभी कॉल नहीं आया? अभी इसको रहने दीजिए, बिहाइंड द कर्टन। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे टीचर्स का प्रदर्शन हुआ हिंसक। चंडीगढ़ पुलिस ने मोहाली से सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हजारों टीचर्स पर किया लाठीचार्ज। पानी की तेज बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर भी बात नहीं बनी तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। चंडीगढ़ पुलिस ने मोहाली से मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को रोकने के लिए हर तरकीब आजमाई। ये टीचर बड़ी तादाद में प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने पहले खुद दीवार बनकर उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस की एक ना चली। आगे पुलिस के बैरिकेड भी इन प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पाए। उसके बाद पुलिस को पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट वाले प्राइमरी स्कूलों के टीचर नौकरी पक्की करने और तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र। 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन के खिलाफ भाजपा ने विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर किया आंदोलन। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायकों ने सीढ़ियों पर ही सदन बनाकर आंदोलन किया। सोमवार को हंगामा करने के आरोप में बीजेपी के 12 विधायक साल भर के लिए निलंबित किए गए थे। विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर बीजेपी ने सदन के बाहर ही ये आंदोलन किया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इसमें शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी निलंबन के फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकती है। बीजेपी का आरोप है कि सोमवार के दिन शिवसेना के विधायकों ने गाली गलौज की शुरुआत की लेकिन सत्ता पक्ष बीजेपी पर सदन को शर्मसार करने का आरोप लगा रही है। आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली में हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जेडीयू को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उमेश कुशवाहा जी आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस बार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या आपकी हिस्सेदारी होगी? एक बात हम स्पष्ट बताना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जनता दल यूनाइटेड शामिल होगी और ये हिस्सेदारी क्या होगी ये सब तो विशेषाधिकार हमारे नेता का है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में किनको क्या जगह मिलेगा, कौन से मंत्री कौन बनेंगे, ये विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो उस पर थोड़ा इंतजार कर लीजिए, निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही सामने से बात आ जाएगी। इस बार जो है जेडीयू और बीजेपी, क्योंकि जेडीयू बाहर है केंद्रीय मंत्रिमंडल से, तो लगातार सवाल उठते रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन केंद्र में शामिल होने से आपको लगता है कि वाकई में धरती पर डबल इंजन की सरकार होगी और इसका फायदा होगा? दोनों जगह केंद्र में भी और बिहार में भी पूरे 5 साल सरकार चलेगी, एनडीए का सरकार चल रही है पूरे मजबूती के साथ, हम लोग अलग अलग नहीं है, पूरे एकजुट है, एक साथ है। दिल्ली में कोरोना से अपनों की जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों को केजरीवाल सरकार देगी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योजना की शुरुआत की। जिन जिन लोगों के घर में कोरोना की से मृत्यु हुई हर व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाए। एक की भी अगर कोरोना से डेथ हो गई और बच्चा अनाथ हो गया तो उन सभी बच्चों को हर महीने 25 साल की उम्र तक के लिए एक मुश्त 2,500 रुपए हर बच्चे को दिए जाने का प्रावधान है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा देने का आदेश केंद्र सरकार को दिया है।
जिसमें कोर्ट ने मुआवजे की रकम तय करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति, अब दिल्ली में सुबह 3 बजे तक खुलेंगे बार, छत और बालकनी में भी बैठकर पी सकेंगे शराब। शराब माफिया पर रोक लगाने और रेवेन्यू में बढ़ोतरी के लिए दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज नीति पेश की है। इसके तहत अब शराब की दुकान पर ग्राहक अब अंदर जा सकेंगे, दुकान के अंदर जाकर अपनी पसंद वाली ब्रांड की शराब खरीद सकेंगे। होटल, रेस्तरां और क्लब में बार देर रात 3 बजे तक खुलेंगे। हालांकि ये आदेश शराब की छोटी दुकानों पर लागू नहीं होगा, अपने घर की छत और बालकनी पर बैठकर शराब पी सकेंगे। दिल्ली सरकार के इस कदम से राज्य सरकार की ओर से संचालित शराब की दुकानें कम होंगी और निजी कंपनियों को फायदा होगा। लॉकडाउन में छूट मिलते ही पहाड़ी इलाकों में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, होटलों में कमरे नहीं और कोरोना नियमों की खुलेआम उड़ रही है धज्जियां। ये मनाली के माल रोड की तस्वीरें हैं, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ मेला लगा हो। और सिर्फ मनाली की ही बात नहीं है, शिमला से लेकर नैनीताल तक हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की भीड़ बढ़ती जा रही है और इस भीड़ की वजह से कोरोना नियम टूट रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही मास्क लगाकर लोग ख्याल रख रहे हैं। यह हाल तब है जब देश में कोरोना के केस 30-40 हजार के आसपास रोज आ रहे हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में करीब 7 लाख सैलानी दूसरे राज्यों से बीते हफ्ते भर में आए हैं। दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी प्रचंड है, पारा 40 डिग्री से ऊपर घूम रहा है। ऐसे में लॉकडाउन से राहत मिलने के बाद मैदानी इलाकों के लोग कोरोना भूलकर पहाड़ों के मौसम का मिजाज लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना से लापरवाही भारी पड़ सकती है। ड्रोन हमलों से बचने के लिए वायुसेना ने शुरू की बड़ी तैयारी। वायुसेना के लिए 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे जाएंगे। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स ने एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए एयरफोर्स के लिए 10 काउंटर मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदे जाएंगे। इस एंटी ड्रोन सिस्टम में हमले से पहले ड्रोन को पकड़ने के लिए कई तरह के सेंसर होंगे। हमले से पहले ही ड्रोन का पता लगाकर उसे नष्ट करने के कई विकल्प होंगे। इन सौदों में सिर्फ भारतीय कंपनी ही भाग ले सकती है। 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ था। ये देश में पहला ड्रोन से हमला था, जिसके बाद से ही सेना के तीनों अंगों के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का काम तेज कर दिया गया है। देश में ड्रोन से पहले आतंकी हमले में बड़ा खुलासा, आतंकियों ने ड्रोन से बांध कर रखा था 1.5 से 2 किलो विस्फोटक RDX। 2 हफ्ते पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन हमला करने आए थे उसमें पाकिस्तान के आतंकियों ने बांधा था RDX विस्फोटक। जांच कर रही एजेंसियों को ड्रोन की बनावट से लेकर उसे उड़ाने तक की साजिश में कई नई बातों का पता चला है। ड्रोन का वजन कम रखने के लिए उसे कार्बन फाइबर से बनाया गया था। वजन कम होने से ड्रोन ज्यादा दूर तक उड़ सका। ड्रोन में चीन से बने कुछ उपकरण लगाए गए थे। पाकिस्तान के बॉर्डर के पास से ड्रोन उड़ाए गए थे। GPS की मदद से आतंकियों ने ड्रोन को उड़ाया। ड्रोन में 1.5 से 2 किलो RDX का इस्तेमाल हुआ था। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से आतंकी हमले के करीब 2 हफ्ते हो गए हैं। इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ड्रोन से खेती का नायाब तरीका, युवा इंजीनियर के कमाल की हो रही है हर ओर चर्चा। आसमान में उड़ते ड्रोन की कई कहानियों से आप रूबरू होंगे, लेकिन ये जो ड्रोन आसमान में उड़ रहा है उसकी कहानी थोड़ी अलग है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं और इस ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ खेती के लिए किया जा रहा है। जानकर आप हैरान होंगे कि कीटनाशक के छिड़काव से लेकर बुआई तक में ये ड्रोन काम आ रहा है। फसल में प्रॉपर जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का स्प्रे होना चाहिए वो नहीं हो पाता और किसान खुद इसमें बड़ी बड़ी उसको बीमारियां हो जाती, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। तो इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने ड्रोन तैयार किया। देश में खेती का तरीका बदल रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए इस बदलाव का फायदा किसानों को मिलेगा। हरियाणा के सिरसा में BJP के कार्यक्रम में हो गया बड़ा बवाल।
किसानों ने पुलिस के सामने बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। यहाँ ये भीड़ जिस शख्स को पीट रही है वो है बीजेपी कार्यकर्ता, और पीटने का आरोप लगा है किसानों पर। बीजेपी कार्यकर्ता को इतना पीटा गया कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। बवाल की ये तस्वीरें हैं हरियाणा के सिरसा की। यहाँ ये किसान बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला की मीटिंग का विरोध करने पहुंचे थे। किसान काले झंडे दिखा रहे थे और किसानों की भीड़ के हत्थे सुरेश नाम का ये बीजेपी कार्यकर्ता चढ़ गया और फिर तो पुलिस के सामने ही हंगामा हो गया। करीब 7 महीने से पंजाब और हरियाणा में किसान केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। इसी आंदोलन के तहत बीजेपी के नेताओं का जगह जगह विरोध किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मचा बड़ा बवाल। आरोपी की हिरासत में मौत के बाद जनता ने गाड़ियों को जलाया और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में यहां आग लगा दी। हंगामा मचा है, भीड़ गुस्से में दिख रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की हैं। यहां कुल्टी थाना में चोरी के एक आरोपी मोहम्मद अरमान की लॉकअप में मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। कई गाड़ियों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई और कई जगह सड़क भी जाम कर दी गई। घंटों चली आगजनी की घटना के बाद आसनसोल में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। दिल्ली में कार चोरी रैकेट से आतंकी कनेक्शन पर दिल्ली पुलिस ने जांच तेज की। जम्मू कश्मीर में दिल्ली पुलिस की कई टीमें कर रही है छापेमारी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े ये वही दो आरोपी शौकत और जुबेर है, जिनके तार जम्मू कश्मीर के आतंकियों से जुड़े होने के सबूत मिल रहे हैं। कश्मीर से हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली आता था शौकत और चोरी की कार खरीदता था। सुरक्षा एजेंसियां तब हैरान रह गई जब आरोपी शौकत के मोबाइल से आतंकियों की तस्वीरें मिली। साथ ही मोबाइल से आतंकियों के साथ ड्रोन की तस्वीरें भी जांच एजेंसियों को शौकत के मोबाइल से मिली हैं। ये इंटरोगेशन में कुछ भी खुल के नहीं बता रहा है, इसलिए हम और हमारी टीम जो है वो इसका टेक्निकल एनालिसिस पे थोड़ा ज़्यादा काम कर रही है और जल्द ही जम्मू कश्मीर भी जाएगी ताकि जो भी इसकी इंटरोगेशन में पॉइंट सामने आए हैं उनको वेरीफाई किया जा सके, चेक करा जा सके और आगे जो कनेक्शन है उसके तार जो है जोड़े जा सके। जिस तरह जम्मू में ड्रोन से आतंकी हमला हुआ और अब कार चोरी रैकेट के तार जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं, यानी इस मामले में अब और भी बड़े खुलासे होने हैं। नहीं चलेगी सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर की मनमानी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से कहा कि उसको भारत सरकार के कानून मानने ही होंगे, नहीं मानने पर भारत सरकार कानून के हिसाब से करे उचित कार्रवाई। ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्विटर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के मुताबिक ट्विटर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है, ऐसे में उनको किसी तरह की राहत नहीं दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि ट्विटर इंडिया में शिकायत अधिकारी का पद अब तक खाली है, जिस पर नियुक्ति के लिए ट्विटर ने और वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने ट्विटर को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को करेगा, जब ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट को बताना होगा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर उसने क्या कदम उठाए हैं। ओडिशा में सिर्फ पुरी में निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया ये अहम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में पुरी के अलावा बाकी जगह पर रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी है, यानी अब पुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर के अलावा कहीं भी रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने सिर्फ पुरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की अनुमति दी थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा, हमें उम्मीद है कि भगवान अगले साल यात्रा की इजाजत देंगे, लेकिन फिलहाल ये वक्त इसके लिए नहीं है। आप घर से भी पूजा कर सकते हैं, मैं भी पुरी जाना चाहता हूं, पर 1.5 साल से ऐसा नहीं कर पा रहा हूं।
दरअसल इससे पहले ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने सिर्फ पुरी में ही रथ यात्रा निकालने को मंजूरी दी थी। राज्य सरकार के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस बार मानसून के बादलों ने बदली चाल। अब से चार दिन के बाद दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। 15 साल में पहली बार इतना लेट है मानसून के बादल। 40 डिग्री की गर्मी से तप रही दिल्ली के लिए अच्छी खबर है। 10 जुलाई से दिल्ली में मेहरबान होंगे बारिश के बादल। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के पश्चिमी यूपी के बचे हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और इलाकों के साथ दिल्ली में 10 जुलाई के आसपास आगे बढ़ने की संभावना है। इससे देश के मध्य और नॉर्थ वेस्ट इलाके में बारिश होगी। ऐसा कई सालों में पहली बार हो रहा है जब जुलाई के महीने में दिल्ली का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। मानसून के बादलों की चाल बदलने की वजह से हुआ है ये मौसम का फेरबदल। ट्रक में लगी आग तो फूटने लगे पटाखे। अमेरिका के ओहायो की यह घटना, हादसे में चार लोग जख्मी। आसमान में रंग बिखरे पटाखे तेज आवाज के साथ फूट रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे आतिशबाजी हो रही है, लेकिन ये आतिशबाजी नहीं बल्कि ट्रक में लगी आग के बाद का नजारा है। तस्वीरें अमेरिका के ओहायो की हैं, जहां जश्न मनाने के लिए ट्रक में पटाखे मंगाए गए थे, लेकिन पटाखों से भरे ट्रक में ही आग लग गई और फिर जो हुआ वो कैमरे में इस तरह से कैद हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक को रोड किनारे पार्क किया गया था। ऐसे में ट्रक में आग कैसे लगी इसकी अभी जांच चल रही है। सीधे फील्ड से मैं अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे सीधे फील्ड से खबरों का दूसरा डोज लेके रात 10:30 बजे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।